हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विवेक ट्रेवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जा रहा हूँ एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सो मोरोरी लेक में, तो चलिए मेरे साथ सो मोरोरी। फ्रेंड्स, लेह ऐसी जगह है जहाँ बिना मेटिकुलस प्लानिंग के आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, आप आइटनरीज करते हैं, बुकिंग करते हैं, लेकिन तब भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे कमी रह जाती है अपनी मेटिकुलस प्लानिंग में भी, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड, जब भी कोई लेह का प्लान करता है, उसकी आइटनरी में कुछ चीज़ें तो कंपलसरी हैं, जैसे लेह में रहना, पेंगोंग लेक जाना, नुब्रा वैली जाना। और उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो सो मोरोरी लेक जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि सो मोरोरी लेक पेंगोंग लेक से बहुत ज़्यादा सुंदर और बड़ी लेक है, क्योंकि पेंगोंग का बहुत बड़ा इलाका चाइना में पड़ता है, लेकिन सो मोरोरी का बहुत वास्ट एरिया इंडिया में पड़ता है और बहुत सुंदर लेक है। तो अब मुझसे जो गलती हुई है, जो मुझे लग रहा है, जो लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो 90% लोग आते हैं, उनका जो आइटनरी होती है वो होती है सबसे पहले पेंगोंग। एक्लिमेटाइजेशन के लिए वो एक दो दिन लेह में ही रहते हैं, लेह की साइट सीइंग करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं नुब्रा, या तो नुब्रा से वापस आते हैं लेह और फिर पेंगोंग जाते हैं, या फिर सीधा नुब्रा से पेंगोंग लेक चले जाते हैं। पेंगोंग से वो लेह आते हैं और लेह के बाद वो जाते हैं दोबारा सो मोरोरी लेक। अब ये प्लान ऐसा क्यों होता है कि पहले पेंगोंग किया जाता है उसके बाद में सो मोरोरी? तो उसका रीज़न ये है कि इससे बॉडी बहुत अच्छे से एक्लिमेटाइज हो जाती है, क्योंकि सो मोरोरी बहुत हाइट पर लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा चिली वेदर है, तो हर कोई उसको बियर नहीं कर पाता उस टेम्परेचर को, या उस एक्लिमेटाइजेशन को, या फिर वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल कम है उसको। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप ले में एक्लिमेटाइज हो जाएं, जब आप नुब्रा और पेंगोंग कर लेते हैं तो आप सो मोरोरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैंने किया है, पहले मैं एक दो दिन लेह में रुका हूँ और यहाँ पर मैंने साइट सीइंग करी, और मैं सीधा जा रहा हूँ सो मोरोरी, और सो मोरोरी के बाद में वापस आऊँगा लेह, उसके बाद में करूँगा नुब्रा और फिर मैं करूँगा पेंगोंग। तो अब तो जय माता दी, देखते हैं क्या होता है। हम लोग पहुंच गए हैं अभी उक्षी में, और यहाँ पर हमने पी है चाय, और मैं आप दिखाता हूँ रूट कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से वापस आएंगे। तो उक्षी में हम लोग अभी इस समय खड़े हैं, और हम जाएंगे लोमा, न्योमा, चमथांग और हैनले, इसको होते हुए हम सो मोरोरी लेक पहुँचेंगे। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो आएंगे हम लोग मनाली हाईवे लेते हुए सरचू पास और तांगलांगला, और इस तांगलांगला में हमको मिलेगी बहुत सारी स्नो। ये बहुत ठंडा इलाका है और हमेशा साल के हर दिन यहाँ पर बहुत स्नो रहती है, तो मज़ा आएगा देखकर। तो फ्रेंड्स, आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से सो मोरोरी का रास्ता है, वहाँ के रोड कैसे हैं, और सो मोरोरी तो अपने आप में एक स्वर्ग है, तो उसके बारे में तो मैं सब कुछ बताऊंगा ही, और जहाँ मैं रह रहा हूँ वो होटल कैसा है, वहाँ पर कैंपिंग कैसे कर सकते हैं, तो सो मोरोरी के बारे में सारी मैं जानकारी दूंगा। ये जो स्टोरी थी अभी तक यहीं तक की थी, आगे मैं सो मोरोरी का रास्ता एंजॉय करता हूँ। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।